एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह यानी एसओजी ने रविवार को जयपुर में सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में भाई बहन की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। दिनेश बिश्नोई और प्रियंका बिश्नोई जयपुर में राजस्थान पुलिस अकेडमी में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे। दिनेश और प्रियंका के पिता और जाने माने तस्कर भागीरथ बिश्नोई कथित तौर पर जोधपुर जेल में भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल सारण के संपर्क में आए थे। जेल से बाहर आने के बाद भागीरथ भूपेंद्र सारण के भाई के संपर्क में रहा, जिसने कथित तौर पर प्रियंका बिश्नोई के लिए सब इंस्पेक्टर पेपर की एक कॉपी की व्यवस्था की। एसओजी के मुताबिक दिनेश को उसके मोबाइल फोन पर पेपर की एक कॉपी भेजी गई। एसओजी ने सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में दिनेश और प्रियंका दोनों को गिरफ्तार किया है। अब तक 40 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसआई पेपर लीक के मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में राजस्थान में सब इंस्पेक्टर पेपर को रद्द करने की मांग तेज हो गई है। खुद सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीना भी एसआई पेपर 2021 को लगातार रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार एसआई भर्ती 2021 मामले में एसओजी ने इससे पहले कई ट्रेनी फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद एसओजी को कई अहम इनपुट मिले थे। इनमें सामने आया कि इस फर्जीवाड़े से जुड़े और भी कई सब इंस्पेक्टर हैं जो आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने परीक्षा में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाए थे। एसओजी की टीम ने अप्रैल 2024 में राजस्थान पुलिस अकेडमी में छापेमारी करते हुए करीब 15 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया था। एसओजी के अधिकारियों ने डमी परीक्षा देकर असली परीक्षा पास कर चुके ट्रेनी एसआई से पेपर हल करवाए। हालांकि डमी पेपर में भी वही सवाल थे जो एसआई भर्ती 2021 के पेपर में आए थे, फिर भी 17 ट्रेनी एसआई पेपर हल नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। आपका एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।